जो आज देखा, शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन हमारा काम है शब्दों को लेकर आना और जनता तक सारी चीजों को पहुंचाना। तो मुझे लगता है कि आज का दृश्य देखकर यही कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, और भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं, विष्णु के अवतार कहे जाते हैं प्रभु राम, और शिव भगवान के भक्त कहे जाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि राम से राष्ट्र है और राष्ट्र से राम। रूबिका मैम का तो मुझे लग रहा है आंसू भी आ रहे हैं आपके, आप क्योंकि मैं आपके लिए और स्पेशल हो जाता है। एक पर्टिकुलर धर्म ने बहुत टारगेट किया, लेकिन कैसा लगा मंदिर देख के? मैं धर्म नहीं कहूँगी, वो कुछ मुट्ठी भर लोग थे, क्योंकि इस्लाम में तो इमाम हिंद कहा गया है प्रभु राम को। कहते ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वो दर्शन मीठे थे, वो अद्वितीय, अकल्पनीय, और वो ऐतिहासिक क्षण था, लम्हा था। हम उसके साक्षी बने हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद हमें दर्शन का मौका तक मिला है। और आप देखिए ना, लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो बना हुआ है। सोनू निगम और कैलाश खेर है जो इस वक्त जा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि माहौल कैसा है, इधर राममय माहौल है और राम का एक दौर है, और आप देख सकते हैं कि पूरा देश राम में हुआ है, ये भीड़ देख के बता रही है। मैं तो ये सब देख रही हूँ, ये देखिए, कभी नहीं देखने को मिला होगा ये सब। जी, जय श्री राम। तो आप लोग शो भी देखेंगे अब से थोड़ी देर बाद, सर और मैम दोनों शो भी करेंगे, हम लोग तब भी जुड़ेंगे, लेकिन सर क्योंकि आंखों से देखकर आए, मैम आंखों से देखकर आई, तो सोचा कि यही बातचीत की जाए। थैंक यू। आप देखिए किस तरीके से लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे हैं इस क्षण, इस पल का, वो जो इंतजार कर रहे थे वो आज वो क्षण वो पल देख ले। अरुण, आप कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर ढोल लगा लो कि थाप पर, लोग झूम रहे हैं। जब कहेंगे तो राम पथ पर मैं इस वक्त हूँ, और आप देखिए कि देश के तमाम हिस्सों से, तमाम राज्यों से जो कलाकार हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा से आए हुए तुम्बा बजाने वाले लोग हैं। जरा आप जरा बजा के दिखाइए किस तरह से आप लोग बजा रहे हैं तुम्बा। हरियाणा के कलाकार थे, किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ सजा दो फूल। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, और दिन भर कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर गड़कर बैठे रहिएगा और वहीं देखिएगा अयोध्या की छटा। फिर से कैशन दिखाइए, क्योंकि दिन निकल आया है, अब सुंदरता दिखाई दे रही है। ताली बजाइए, घर सजाइए, दीप जलाइए, क्योंकि मेरे राम आए हैं, रघुनंदन आए हैं। 500 साल इंतजार राम ने कराया है, तब बड़े देर बाद आए हैं, तो क्यों ना घर सजाएं, क्यों ना दीप जलाएं, और क्यों ना हम भोग बनाएं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, अब मैं क्या शब्दों में इसका वर्णन करूं, सब कुछ तस्वीरें बयां कर दे रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा ये हम आपको बता देते हैं। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या की धरती पर। तर्पण, समर्पण, संघर्ष, सब कुछ है प्रधानमंत्री की इस जर्नी में। यहाँ से
तो मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आज अयोध्या में करीब 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज चुके हैं और उनकी ये तस्वीर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मुख्य यजमान रहे। तमाम बड़े बड़े दिग्गज मेहमान भी यहाँ पर पहुंचे और ऐसे में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। पूरे सख्ती के साथ इंतजाम थे और तमाम जो राम भक्त देश दुनिया में थे वो टकटकी लगाए बैठे थे इस खास मुहूर्त के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए जो आज संपन्न हुआ है। और ऐसे में भगवान श्री राम लला की ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रतिमा आप देखिए जिसको सुंदर सजाया गया, 51 इंच लंबी ये प्रतिमा। और ऐसे में पूरी दुनिया ने आज इस प्रतिमा के दर्शन किए, भव्य दर्शन। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो इसकी जो शक्ति है वो पूरे विश्व में गुंजायमान हो रही है। और ऐसे में अयोध्या की ये सुंदर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे राम मंदिर को 3000 किलो से भी ज्यादा फूलों से सजाया गया था और ऐसे में पूरी अयोध्या जगमग हो उठी थी। रात का अंधेरा जरूर था लेकिन कल की जो रात्रि थी वो पूरी राम रात्रि थी और आज का ये दिन बेहद खास अयोध्या के लिए, अयोध्या के इतिहास के लिए, तमाम राम भक्तों के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए उनके जहन में उतर गया है और वो हमेशा इसको अपने दिल में बसाकर अपने हृदय में इस छवि को उकेर चुके हैं। और ऐसे में ये भव्य तस्वीरें, आज की मनमोहक तस्वीरें प्राण प्रतिष्ठा की। कार सेवक लेकर चले थे और पीछे थे पर्दे के, लेकिन देखिए समय बदला और कैसे वो अब पर्दे के सामने आ गए और जो प्रण लिया उसे पूरा कर रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री का वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर लैंड करेंगे, उसके बाद हेलीपैड जाना है और उसके बाद राम जन्मभूमि की ओर आएंगे। अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है लेकिन जैसी व्यवस्था मैं देख रही हूँ पूरी तरह से राम में, आप देख सकते हैं सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आना शुरू हो गया है सड़कों पर। वो उतर कर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन सर्दी का भी प्रकोप है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मी जो सुरक्षा में लगाए गए हैं वो सर्दी से बचने के लिए जो हीटर लगाए गए हैं, जो गैस हीटर लगाए गए हैं रोड के सहारे, उन पर वो सर्दी दूर भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस गैस हीटर का प्रयोग करते हुए उसके आसपास और वो खड़े हो गए हैं लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इन सब से दूर, इन सब को परे हटाकर श्रद्धा के वशीभूत होकर लगातार वो सड़कों पर उतरे। कहाँ से ये तस्वीरें दिखा रहे हो? बुंदेलखंड से ये लोग आए हुए हैं। अब अरुण का रुख करते हैं, अरुण के पास क्या तस्वीर है? अरुण दिखाइए। तो जैसे कि सपना दिखा रहे थे आपको कि जहां भी राम जन्मभूमि की तरफ रास्ते जा रहे हैं हर तरफ लोगों का उल्लास उमंग दिखाई दे रहा है। यहां पर भी देखिए राम पथ पर किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं और एक साधु भी चढ़ गए हैं ऊपर, वो भी डांस कर रहे हैं, यहां पर गदा लेकर के ये भी डांस कर रहे हैं। लोग सब कुछ राम के नाम पर समर्पित कर दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सांगली। आज क्या कैसा दिन है आपके लिए? अच्छा, एक लंबर दिन। डांस कर रहे हैं आप, गदा भी लिया था आपने, क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए गदा लेकर के यहाँ पर डांस कर रहे हैं, नगाड़े की धुन पर थिरक रहे हैं हर कोई। देखिए यहाँ पर सीताराम भजन कर रहे हैं। सर भजन कर रहे हैं? हाँ सर। देखिए यहाँ पर भजन कर रहे हैं। जी, इंदौर से आया हूँ, इंदौर से, बांका की नगरी से। हाँ, जब ढांचा गिरा था जब भी आया था मैं। अच्छा, कार सेवा में भी आया? अच्छा, क्या देखा था उस दिन आपने? अरे उस दिन तो बहुत सारा साहब देखा था, क्या बताए, हमसे बोले नहीं जाता। अच्छा, हाँ बोला नहीं जाता। हाँ, हम हालांकि आ नहीं पाए यहाँ तक, आगे रोक दिया गया था मेरे को। रोक दिया गया था। आप देखिए जरा ये तस्वीरें, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी हम मथुरा से आए हैं और ये नगाड़ा बम रसिया खजान सिंह पार्टी। देखिए किस तरह से लोग आए हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन से और यहाँ डांस कर रहे हैं। प्रभु महाकाल से आए हैं लोग, वो भी डांस कर रहे हैं यहाँ पर, तो एकदम भक्तिमय माहौल है। जितने भी लोग देखिए ये भी आ गए। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए? हाँ। आप भी डांस कर रहे हैं? हाँ, हम सब राममय हो गए, आप सब ना राममय के भक्ति में विलीन हो गए और हमें उत्सव ही ऐसा है, न भूतो न भविष्यत होने वाला उत्सव है। जय श्री राम। न कभी हुआ था न कभी होने वाला है, लोगों की जो भावना है वो यही कह रही है कि ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे गए और शायद आगे देखे भी नहीं जाएंगे। तो त्रेता अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराज चुके हैं और इस पावन अवसर पर
बॉलीवुड के कई नामी सितारे भी अयोध्या धाम पहुंचे। मंदिर 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 कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा मन साफ हो गया, लगा कि राम वाकई चल के आ गए, मन साफ हो गया। अच्छा अयोध्या देखिए, अयोध्या कैसा लगा? बहुत खूबसूरत झलक अगर आपको देखनी हो तो आप देखिए इधर, ये जरा सड़क देखिए, ये प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर ये सड़क जा रही है, जरा ये सड़क देखिए और तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए। हमारे और भी सहयोगी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और हमारी न्यूज 18 इंडिया की ये अखंड कवरेज जारी है। चलते हैं अपने अगले सहयोगी के पास। हरियाणा के पलवल से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये सभी लोग हैं हरियाणा के पलवल से, जरा इनको देखिए। पर्यटन विभाग जो है, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है कि जो वीवीआईपी गेस्ट, जो स्टेट गेस्ट, जिन 8000 लोगों को ट्रस्ट के तरफ से न्योता दिया गया, वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। किस तरीके से यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम है हरियाणा के पलवल से यहाँ पर पेश करते हुए, और इस तरीके से पूरे धर्म पथ पर भक्ति। तो देखिए हम आपको लगातार उन सब की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम देखिए राम पथ पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से उत्सव यहाँ पर बन रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? बनारस से। बनारस की छठा भी अयोध्या पहुंच चुकी है। तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस उत्सव में किस तरीके से लोग जो है अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। इन दो नगाड़ों के नाम से आप समझ सकते हैं कि अयोध्या की नाम धूल अब विश्व भर में सुनाई दे रही है। एक बार में जाकर आपको ये नाम धूल फिर से सुनाती हूँ। आप देखिए बनारस की छठा अयोध्या पहुँच चुकी है। आज का दिन आपके लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश। उत्सव मना रहे हैं? एकदम एकदम। देखिए उत्सव मनाया जा रहा है और ये बनारस से आए हैं ये लोग। उस तरफ देखिए कैसे फूलों के साथ सजाया गया है स्वागतम नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ऐसा कोना कोना जगमगा रहा है आज अयोध्या का कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरीके का माहौल जो आपको नजर आएगा। आप कहाँ से आए? मैं केरला से। केरला से आए हैं। अयोध्या कैसा लग रहा है? आज का दिन कितना खास है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी खींचते हैं। आपके लिए आज का दिन कैसा है? आज काशी का विश्व प्रसिद्ध डमरू दल यहाँ